बाल विकास बुद्धि से संबंधित टॉप 30 प्रश्न। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिंदास लर्नर में। प्रश्न पहला है, बुद्धि कार्य करने की विधि है। ऑप्शन है वुडवर्थ, बंकिंगम, टर्मन, मैकडुगल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वुडवर्थ। प्रश्न दूसरा, बुद्धि सीखने की योग्यता है, कहाँ है? वुडवर्थ ने, बंकिंगम ने, टर्मन ने, मैकडुगल ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बंकिंगम ने। प्रश्न तीसरा, बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है, कहाँ है? वुडवर्थ ने, बंकिंगम ने, टर्मन ने, मैकडुगल ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, टर्मन ने। चौथा है, बुद्धि विकास जन्म से किशोरावस्था तक होता है, कहाँ है? वुडवर्थ ने, बंकिंगम ने, टर्मन ने, प्रिंटर ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, प्रिंटर। पांचवा, बुद्धि अतीत के अनुभव है, कहाँ है? वुडवर्थ, बंकिंगम, मैकडुगल, प्रिंटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, मैकडुगल। छठवा, बुद्धि परीक्षण की खोज 1905 में की, वुडवर्थ, बिने साइमन, मैकडुगल, प्रिंटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बिने साइमन। सातवां, आईक्यू का प्रथम सुझाव 1912 में दिया, वुडवर्थ, बिने साइमन, मैकडुगल, विलियम स्टर्न और कुहलमैन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विलियम स्टर्न और कुहलमैन। आठवां, थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि का प्रकार नहीं है, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, स्थूल बुद्धि, भौतिक बुद्धि। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, भौतिक बुद्धि। ये क्या है, इसका प्रकार नहीं है, बाकी तीनों बुद्धि का प्रकार है। नौवां है, बुद्धि के अध्ययन के पक्ष नहीं है बोल रहे हैं, तो इसमें दिए ऑप्शन दिया है शारीरिक पक्ष, कार्यात्मक पक्ष, संरचनात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष। यहाँ इसका ऑप्शन ए राइट आंसर है, शारीरिक पक्ष। इसमें ये तीनों इसका क्या है, पक्ष है बुद्धि के अध्ययन की, बाकी ये नहीं है। दसवां, बुद्धि परीक्षण के प्रकार है, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, सामूहिक बुद्धि परीक्षण, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर, दोनों क्या है, बुद्धि परीक्षण के प्रकार है। ग्यारहवा है, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत आता है, बिने साइमन, भाटिया बुद्धि परीक्षण, डेविल वैसलर बुद्धि परीक्षण, स्टैनफोर्ड टर्मन, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ई, उपरोक्त सभी। बारहवा है, सामूहिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत नहीं आता है, क्या बोल रहे हैं, नहीं आता है, जलोटा बुद्धि परीक्षण, भाटिया बुद्धि परीक्षण, टंडन बुद्धि परीक्षण, मेहता बुद्धि परीक्षण। इसका आएगा ऑप्शन इसमें है आपका बी, भाटिया बुद्धि परीक्षण, इसमें सामूहिक वाले में नहीं आता, क्योंकि भाटिया देखिए इसमें है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत आता है भाटिया बुद्धि परीक्षण, तो इसीलिए क्या होगा, ये नहीं पूछा है, ये वाला क्या है ऑप्शन बी, इसमें नहीं है, बाकी तीनों क्या है, ये तीनों सामूहिक बुद्धि परीक्षण है। तेरा है, भारत में बुद्धि परीक्षण किया, सी एच राइस, गिलफोर्ड, पियाजे, थॉर्नडाइक। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, सी एच राइस। प्रश्न 14 है, आर्मी अल्फा परीक्षण है, अशाब्दिक, शाब्दिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, शाब्दिक। आर्मी अल्फा परीक्षण क्या है, शाब्दिक परीक्षण है। 15 है, आर्मी बीटा परीक्षण है, अशाब्दिक, शाब्दिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, अशाब्दिक। ये क्या है, आर्मी बीटा परीक्षण अशाब्दिक परीक्षण है। 16, बुद्धि परीक्षण की शुरुआत हुई, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस, जर्मनी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, फ्रांस। 17 है, पीपीटी परीक्षण है, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, दोनों, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन ई, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण।
गिलफोर्ड की थ्री विमा में शामिल नहीं है बोल रहे हैं। तो विषय वस्तु उत्पाद संक्रिया उपभोक्ता, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपभोक्ता। बाकी तीनों क्या है, गिलफोर्ड की थ्री विमाएं हैं। 19 बुद्धि के एक खंड सिद्धांत के जनक है स्पीयरमैन, अल्फ्रेड बीने, थॉर्नडाइक, गिलफोर्ड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अल्फ्रेड बीने और साइमन। बुद्धि के दो खंड सिद्धांत के जनक है, तो बुद्धि के दो खंड सिद्धांत के जनक है इसका ऑप्शन ए स्पीयरमैन। प्रश्न 21, बुद्धि के तीन खंड सिद्धांत के जनक है इसका है ऑप्शन ए स्पीयरमैन। दो खंड और तीन खंड दोनों का क्या है, स्पीयरमैन है। प्रश्न 22 है, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के जनक है, तो बुद्धि का बहुकारक है याद रखिएगा थॉर्नडाइक। बहुकारक सिद्धांत के जनक क्या है, थॉर्नडाइक। बुद्धि के आण्विक सिद्धांत के जनक है, आण्विक सिद्धांत के जनक इसका है ऑप्शन सी थॉर्नडाइक। 24, बुद्धि के समूह कारक, तो समूह कारक सिद्धांत के जनक है थर्सन। देखिए बहुकारक का थॉर्नडाइक है और समूह कारक का क्या है, थर्सन है। 25, बुद्धि के तरल ठोस सिद्धांत के जनक इसका है कैटल। बुद्धि के तरल ठोस सिद्धांत के जनक। 26, बुद्धि के त्रितत्व सिद्धांत के जनक है इसका है रॉबर्ट स्टाइनबर्ग। 27, बुद्धि के संज्ञानात्मक विकास मॉडल के जनक है इसका ऑप्शन ए जीन पियाजे। 28, बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक है इसका है गार्डनर। बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक गार्डनर। बुद्धि संरचना सिद्धांत के जनक है इसका है ऑप्शन डी गिलफोर्ड। प्रश्न 30 है, देखिए इसमें बोला सही नहीं है, तो ये पहला दिया है 91 से 110 सामान्य बुद्धि, 81 से 90 मंद बुद्धि, 111 से 120 अल्प बुद्धि, 130 से अधिक प्रतिभाशाली, 71 से कम जड़ बुद्धि। इसमें क्या है, नहीं है पूछा है, तो ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 111 से 120 क्या है, ये प्रखर बुद्धि होता है, अल्प बुद्धि नहीं होता। क्लियर है, बाकी सब सही है, सी वाला ऑप्शन सही नहीं है। तो ये रहा आज का टॉप 30 प्रश्न। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।